नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अपनी वीडियो के दौरान ऐसी कुछ चीजें जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास हैं। बच्चों के एग्जाम आते ही बच्चों को टेंशन होनी शुरू हो जाती है। बच्चों को तो टेंशन होती है, उसके साथ साथ माँ बाप को और ट्यूशन वाले टीचर को और स्कूल के अध्यापकों को भी चिंता होने लगती है कि बच्चा एग्जाम में करेगा क्या। उनका सिलेबस कम्प्लीट करवाने में लगे रहते हैं और बच्चे भी उस सिलेबस के चक्कर में अपना ध्यान एकाग्रता नहीं कर पाते हैं। और इसलिए मैं आज अपनी वीडियो के दौरान बताऊंगी बच्चे ऐसा क्या करें, ऐसा करने से उनके जीवन में नए प्रभाव आएंगे और वह अपनी तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। नंबर एक, बच्चा जहाँ पढ़ता है, अपनी पढ़ाई की जहाँ तैयारी कर रहा है, तो वह कमरा हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उसके साथ साथ उस कमरे की दीवारें नीली हल्के कलर में होनी चाहिए, क्योंकि वह कलर उनको इफेक्ट नहीं करता और जिसकी वजह से उनकी एकता भंग नहीं होती और उसके साथ साथ उन्हें याद भी हो जाता है। और एक बात खास ख्याल रखें, जिस मेज पर वह बैठते हैं या टेबल का यूज करते हैं, उस टेबल पर भी हल्के नीले कलर का ही क्लोथ बिछा होना चाहिए। ऐसा करने से भी बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और इधर उधर भी नहीं भटकेगा, बच्चे की एकता भी भंग नहीं होगी। और तो बच्चे का जो स्टडी रूम है उस पर खास ख्याल रखें कि जो स्टडी रूम है वह दीवारों के बिल्कुल आसपास ना हो। स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए जिससे कि दीवारें उससे दूर रहें, उसे कोई भी सहारा ना मिले। वह कुर्सी पर बैठे और कुर्सी पर स्टेप बैठे, स्टेप बैठने से उसे सुस्ती नहीं आएगी और नींद भी नहीं आएगी, जिसकी वजह से वह नए नए विचार अपने माइंड में लेकर आएगा और उन विचारों के अनुसार चलेगा तो उसकी तैयारी अच्छी होगी और एग्जाम भी अच्छे जाएंगे। बच्चे के स्टडी रूम में हमेशा डार्क कलर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, हमेशा हल्के कलर ही यूज़ करें, क्योंकि हल्के कलर बच्चे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते और बच्चे का हमेशा माइंड बिल्कुल स्थिर रहता है और जिसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकता है। और एक और बात खास ख्याल रखें कि बच्चे का स्टडी रूम करने के बाद भी सोने के बिस्तर का समय भी ऐसा ही रखना चाहिए जैसे वह या तो वह पूर्व में हो या फिर दक्षिण में। बच्चे का सिर ऐसी ही जगह पर रखकर सोए जब उसकी दिशा उत्तर या दक्षिण में होनी चाहिए, क्योंकि जो उसने याद कर रखा है वह हमेशा उसके माइंड में रहे। बच्चों का स्टडी रूम एक प्राइवेट प्लेस होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं आना जाना पसंद करता, क्योंकि बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वह बच्चे अपने ही तरीके से रखते हैं। यदि पेरेंट्स उसमें अपनी दखल अंदाजी करते हैं तो वह बच्चों को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से बच्चों का माइंड इधर से उधर हो जाता है और वह जल्दी ही क्रोध हो जाते हैं, क्रोधी भी हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आ जाने के बाद जो उन्होंने याद कर रखा है वह सब भी भूल जाते हैं। यदि आप पेपरों का टाइम है तो उस समय यदि आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें और बच्चों के स्टडी रूम में ना आए जाएं, तो ऐसा करने से भी बच्चे का ध्यान एकत्र बना रहेगा। बच्चे को पढ़ते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका मुंह उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यदि वह उगते हुए सूरज के समय पर अपने मुंह को रखकर पढ़ते हैं तो ऐसा करने से उनका जो तेज है, जिस तरह से सूरज का तेज बढ़ता है वैसे ही उनकी पढ़ाई का तेज भी बढ़ेगा और उनकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी और उनकी पढ़ाई का लेवल भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे सूर्य का लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसी कारण से यदि आप स्टडी रूम का ज़्यादा सा ख्याल रखेंगे और कलरों का भी ध्यान रखेंगे तो यह बच्चे की एकता भी भंग नहीं करेंगे और बच्चों की एकता भी बनाए रखेंगे। स्टडी रूम में बच्चों को पढ़ते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वह हमेशा पढ़ते समय स्टेप बैठें और स्टेप पढ़ने के साथ साथ उनके घर में या उनके कमरे में प्रॉपर रोशनी आती हो, खिड़की ज़रूर होनी चाहिए स्टडी रूम में, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के करते समय कोई भी परेशानी ना हो। हल्का सा संगीत और मंत्रों का उच्चारण करना भी उन्हें अनिवार्य माना जाता है। यदि बच्चे पढ़ते समय माँ सरस्वती की आराधना करते हैं या मंत्र का उच्चारण करते हैं या हल्का सा म्यूजिक भी सुनना पसंद करते हैं तो उनका माइंड शांत रहता है और पढ़ाई जो याद कर रहे हैं वह भी उन्हें याद रहता है। ये है वह कार्य यदि बच्चे करते हैं तो करने के साथ उनकी एकता भी बनी रहेगी और उन्हें अच्छे से याद भी हो जाएगा और उनके एग्जाम भी अच्छे जाएंगे, जिसकी वजह से उनके नंबर भी अच्छे आएंगे। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।